नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24 बाइट। दिल्ली एमसीडी का चुनावों का आज मतगणनाओं की गिनती भी हो गई और वहां का चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। और जो चुनावी रिजल्ट है उसके अनुसार यही है कि आप पार्टी ने बीजेपी की 15 साल के शासन को एमसीडी से अब पूरी तरह से हटा दिया है। जी हाँ, एमसीडी में अब आपका राज होगा। कहने का मतलब यही है कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एमसीडी में पूर्ण बहुमत से अब सरकार बनाने जा रही है और उसका अब वहाँ पर एमएलए मेयर बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव आयोग के तरफ से जो फाइनल आंकड़ा आया है उसमें 250 सदस्यीय एमसीडी में 134 सीट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ आप पार्टी एमसीडी में पहुंच गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी 104 पर सिमट गई है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है जिसको 8 सीट मिले हैं और निर्दलीय भी 2-3 के आंकड़े के बीच में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का जो एमसीडी का रिजल्ट है वो स्पष्ट रूप से आप पार्टी के लिए सबसे बड़ा मैसेज भी लेकर आया है और उसके लिए खुशी मनाने का भी एक बड़ा जरिया है। कहने का मतलब यही है कि बीजेपी 15 साल से एमसीडी के तीनों नगर निकायों में वे लोग छाए हुए थे, लेकिन इस बार 250 सदस्यीय नया नगर निगम दिल्ली नगर निगम बनाया गया था जहां पे अभी चुनाव हुए हैं और उसमें आप पार्टी ने बीजेपी को 15 साल की चली आ रही उनके शासन को समाप्त कर दिया है। लेकिन जब चुनावी आंकड़ा पूरी तरह आने के बाद अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने यही कहा है कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से एमसीडी का विकास करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिनारियो अभी यही है कि अब आपका ही राज एमसीडी में है और आप पार्टी अभी दिल्ली सरकार भी चला रही है, लेकिन जो केंद्र है केंद्र सरकार अभी बीजेपी के हाथों में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 2-1 के हवाले पूरी दिल्ली हो चुकी है और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई में दिल्ली का विकास आम आदमी पार्टी कैसे कर पाती है। बड़े बड़े दावे करके एमसीडी चुनाव तो जीत गई है, लेकिन आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर आने वाले समय में होता है क्या। एक बात और बता दे कि बीजेपी अभी भी अपना मेयर देने का दावा ठोक रही है, लेकिन किस बिने पर ये तो अभी भविष्य में निहित है। लेकिन फिलहाल जो आज का चुनावी आंकड़ा और जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि एमसीडी आपके हवाले, यानी कि दिल्ली की जनता ने अब एमसीडी भी आपके हवाले कर दिया है और अब देखना है कि दिल्ली की जनता पर के कामों पर ये लोग यानी कि आप पार्टी कितना उचित उतर पाती है या फ्लॉप साबित होती है। इन सब पर आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलेगा कि आप अगर दिल्ली में और क्या क्या गुल खिला पाती है या फिर टाई टाई फीस होती है, क्योंकि अब उसे कहने के लिए यह नहीं रहेगा कि केंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा है, एमसीडी हमारे पास नहीं है। अब एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों उसके पास है और अब तो दिल्ली वालों को पता चलेगा कि आखिर आप की कथनी और करनी में क्या अंतर है। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई दिल्ली से लेकर कोई बड़ा अपडेट आता है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक मुझे यानी संजू सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।